आप जुड़ चुके हैं जो कि फाउंडर हैं Stockify.in से। हमारे साथ हेमंत रुसगी साहब हैं जो कि सीईओ हैं वाइज इन्वेस्ट से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। इससे पहले कि मैं फटाफट सवाल लूं, हेमंत सर मैं आपके पास आना चाहता हूं। ज़रा हमें बताइए कि ये जो बाज़ार है, जिस बाज़ार में दबाव बहुत नज़र आता है, जिस बाज़ार में हम एक अच्छा खासा करेक्शन देखते हैं, ऐसे में जो है वो निवेश की रणनीति क्या होनी चाहिए? अगर कोई नया इन्वेस्टर है या किसी को अगर थोड़ा फ्लो और बढ़ाना है तो किस तरह की रणनीति होनी चाहिए इस तरह के बाजार में जहां भारी करेक्शन दिखता है? जी प्रशांत, आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। स्पेशली जैसा आपने कहा कि जो नए निवेशक हैं या जिन्होंने अभी भी इन्वेस्ट करना शुरू किया है, देखिए इक्विटी जब हम बात करते हैं एक लॉन्ग टर्म एसेट क्लास है वो, क्योंकि हम स्पेसिफिकली इक्विटी मार्केट की बात कर रहे हैं तो ये लॉन्ग टर्म एसेट क्लास है। और इसमें क्या होता है कि वोलेटिलिटी कभी भी आती है, हमने देखा है समय समय पे, कारण अलग होते हैं, कभी इकोनॉमिक इश्यूज हो सकते हैं, कभी जियोपॉलिटिकल इश्यूज हो सकते हैं, कभी पॉलिटिकल इश्यूज हो सकते हैं। तो एज एन इक्विटी इन्वेस्टर आपको हमेशा इस वॉलिटिलिटी के लिए तैयार रहना चाहिए। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप इन्वेस्ट करें इक्विटी में तो कुछ चीजों का ध्यान रखें। एक तो ये कि आपकी जो टाइम कमिटमेंट है वो लंबे समय की हो, दूसरी ये आप अपने एसेट एलोकेशन को देखें, यानी ऐसा नहीं कि पूरा पैसा इक्विटी में डाल दिया, अपने टाइम होराइजन अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि मार्केट का सबसे बड़ा डर है वॉलिटिलिटी। उसको अगर आप अपने एडवांटेज के लिए टर्न करना चाहते हो तो इंपॉर्टेंट है कि आप बजाय इसके उसको टाइम करने के आप उसको सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करिए, ताकि विद इन मंथ आप मार्केट के डिफरेंट लेवल पे और ओवर द मंथ्स डिफरेंट लेवल्स पे आप इन्वेस्ट कर सकें। जहां तक इस मार्केट की बात है और स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, देखिए अगर आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं, आप बहुत क्लियर हैं कि आपने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट किया, आपका टाइम होराइजन में क्लैरिटी है, आपने अननेसेसरी रिस्क नहीं लिया है पोर्टफोलियो में, या आपने अपने पोर्टफोलियो को बहुत एग्रेसिव नहीं बनाया विद इन इक्विटी कि पूरा पैसा आपने मिड कैप और स्मॉल कैप में डाल दिया। अगर आपने ऐसा नहीं कुछ किया है तो आपको अपना प्रोसेस कंटिन्यू करना है, क्योंकि ये ऐसे समय होते हैं जब आपको निचले स्तर पे इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है। अभी तक आप इन्वेस्ट कर रहे थे, हर इंस्टॉलमेंट आपकी ऊपर के लेवल पे जा रही थी, अब आपको मौका मिल रहा है क्योंकि आप टाइम नहीं कर रहे। ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि जब मार्केट गिरेगी तो आपको इन्वेस्ट करना है लोअर लेवल पे, जबकि जो जो लोग SIP से इन्वेस्ट नहीं करते उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू कर रहे हो अभी तो आप एक या दो महीने एक साल के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे। अगर मैं SIP से अगले 10-15 साल इन्वेस्ट करने वाला हूं तो मुझे एज एन इन्वेस्टर मेरे हिसाब से आज की मार्केट क्या कर रही है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरा ध्यान होना चाहिए मेरे रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से क्या सूटेबल है मेरे लिए, क्लैरिटी हो मैं अपना प्रोसेस शुरू करूं, क्योंकि आज मार्केट नीचे है, हो सकता है कुछ दिनों में मार्केट स्टेबल हो जाए, एक महीने के बाद मार्केट किसी और लेवल पे हो, तो आपको उसको नहीं देखना है, आप अपने रिक्वायरमेंट पे अपने एसेट एलोकेशन पे फोकस कीजिए। तो आई थिंक जब भी आप मार्केट मूड के हिसाब से पोर्टफोलियो बनाएंगे तो या तो अपने पोर्टफोलियो को बहुत अग्रेसिव बना देंगे या फिर गिरते बाजार में बनाएंगे तो फिर कंजर्वेटिव बना देंगे, जो दोनों आपके लिए सही नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि आप अपने अपनी रिक्वायरमेंट पे, अपने रिस्क प्रोफाइल पे, अपने टाइम होराइजन पे फोकस रखिए। अगर आपने एग्रेसिवली बहुत ज्यादा पोर्टफोलियो बनाया हुआ है तब मे बी समय है थोड़ा सा ऑब्वियसली मिड और स्मॉल को कम करके आप लार्ज में जाएं, तभी अगर आपको लगता है कि आपने बहुत ज्यादा कर लिया। अदरवाइज मुझे लगता है लॉन्ग रन में मिड और स्मॉल आपके पोर्टफोलियो का इंटीग्रल पार्ट होना ही चाहिए। तो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कितनी, विद इन इक्विटी तीनों सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट कितनी, अगर आपने उसके ऊपर ध्यान रखा है प्रशांत, मेरे हिसाब से निवेशक को कुछ करने की जरूरत नहीं। बहुत जरूरी इसलिए था क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जब भी हम कोई शो लेकर आते हैं तो उसमें नए जो दर्शक होते हैं उनकी संख्या बहुत मायने रखती है, क्योंकि वो एक भरोसे के साथ हमसे जुड़ रहे हैं। तो ऐसे वक्त में जहां पर बाजार में कई बार नए निवेशकों के साथ इस तरह की सिचुएशन पहली बार आती है या इस तरह की सिचुएशन से उनका अनुभव थोड़ा कम होता है, तो ऐसे में इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमारे दिग्गज एक्सपर्ट आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर कर देते हैं, बहुत स्पष्ट कर देते हैं। चलिए पहले कॉलर को जोड़ते हैं। हमारे साथ कलोल चैटर्जी हैं। कलोल नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर, मैं आसाम से बात कर रहा हूँ।
अरे वाह, हमें बताइए कि ये तो पूरा जो सीजन होता है बंगाल से लेके आसाम तक, ये अलग ही रंग का सीजन कहा जाएगा दुर्गा पूजा और बाकी चीज़ों की। मेरे ख्याल से षष्ठी वष्ठी से अब ज़्यादा जो है वो अलग तरह से क्रेज़ नज़र आता है। तो हमें बताइए अभी किस तरह का माहौल है असम में। चल रहा है तैयारी सब जगह। जी, एक्चुअली नवरात्रि से ज्यादा यहाँ दुर्गा पूजा का होता है, षष्ठी के जी, दिन वही से वही षष्ठी, इसीलिए मैंने कहा कि मूर्ति। हाँ जी जी हाँ जी हाँ हाँ बंगाल बिहार हाँ झारखंड आसाम यहाँ सर जी जो जी बंगाली सेलिब्रेट करते हैं, जी तो जी षष्ठी से शुरू हो जाएगा 10वीं तक। वाह, चलिए हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और माँ दुर्गा इसी तरह से कृपा रखें और सभी के जीवन में सुख समृद्धि हो। हमें बताइए चटर्जी साहब, किस तरह से मदद की जाए आपकी। मेरा एक सवाल था रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड। मैं तो भेजा हूँ मेल में, आपके पास जी होगा जी जी पोर्टफोलियो, मैं भेजा था उसी के रिगार्डिंग। तो ठीक है मेरा चार फंड है, हाँ, मैं 2011 से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। टू थाउजेंड हाँ टेन से टेन से टू थाउजेंड हाँ 2010 से इन्वेस्ट कर रहा हूँ ठीक है मैं। आज के डेट में 40,000 पर मंथ मेरा इन्वेस्टमेंट है। मैंने जब शुरू किया था इट वॉज तीन फंड में 2,000 ईच शुरू किया था, 6,000। तो चलिए अभी मैं बढ़ाते जैसे जैसे ग्रेजुअली आई इंक्रीज अमाउंट एंड नाउ प्रेजेंटली इट इज 40,000 क्या बात, पर मंथ वाह सिंस 2020, जी जस्ट कोविड के पहले से मैंने इसको बढ़ा के 40 कर दिया था। जी जी तो आज के डेट में मेरा पोर्टफोलियो है 87 लाख। 85 लाख आपने जो हमें भेजा है, हाँ हाँ ठीक है 85 एटी एटी फाइव फाइव लाख है उसके बाद जी। एक्चुअली जब मैं दिया था तो उसके बाद बढ़ के, हाँ ठीक है 85 ही समझ ठीक लीजिए, है उसके बाद ठीक बढ़ गया था तो 87 हो चुका था बाद बीच में, जी जी ठीक है ठीक है 85 लाख। मेरा चार फंड है, एक HDFC फ्लेक्सी कैप 13,000, मीरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड 9,000, एक्सिस स्मॉल कैप 13,000, ABSL मिड कैप 5,000। ठीक है मेरा इसके अलावा शेयर्स में अप्रोक्सीमेटली इंक्लूडिंग प्रॉफिट इट इज 45 लाख। ठीक है वाह, हाँ और PPF में मैं एज एंड वेन रिक्वायर्ड मैं डालता हूँ, कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, तो इट इज 5 लाख प्रेजेंट ठीक है, एंड NPS इट इज 3 लाख। अरे वाह, इट चलिए इज जस्ट फॉर 50,000 सबसे पहले के। चटर्जी साहब मैं लिटरली आपको साधुवाद कह लीजिए, आपको आपको कह सकते हैं कि आपको एक बेहतर जागरूक निवेशक के तौर पर आपको देखा जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आपने अपने इन्वेस्टमेंट को इतने बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया है, उसमें जो भी बदलाव करने हैं वो तो अलग बात है, लेकिन आप एक जागरूक निवेशक हैं। अब हमें बताइए कि आपका सवाल क्या है। दो सवाल, एक सवाल ये है कि मैंने कुछ फंड मेरे चाइल्ड एडुकेशन के लिए रखा था, तो वो चाइल्ड एडुकेशन का टाइम आ चुका है, चाइल्ड इज अंडरगोइंग एडुकेशन इज गोइंग हायर स्टडीज, तो इसके लिए मैंने फंड पहले से चॉइस किया था दैट हैज आई हैव अचीव्ड द गोल। बट माय क्वेश्चन इज दैट कि चाइल्ड एडुकेशन के लिए म्यूचुअल फंड रिडीम करना बेहतर है या बैंक लोन लेके म्यूचुअल फंड को ना इन्वेस्ट करना, कौन सा वाजिब है। ठीक है सेकेंड ठीक क्वेश्चन, है फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट एंड सेकेंड क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट विल बी माय दिस थिंग, इट इज एक्चुअली पूरा इट इज माय रिटायरमेंट गोल एंड अनदर 6 इयर्स आई कैन इन्वेस्ट फॉर माय रिटायरमेंट, व्हाट विल बी माय कॉर्पस आफ्टर 6 इयर्स ठीक इफ आई कीप ऑन दिस अमाउंट प्लस 10% स्टेप अप एनुअली। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए तो सवाल और तमाम बातें स्पष्ट कर दी। अभिजीत, मैं आपके पास आना चाहूँगा, बड़े ही जागरूक निवेशक हैं और प्लानिंग भी बहुत बेहतर तरीके से इन्होंने की है, तो जो सबसे बड़ा इनका सवाल है वो यही है कि अब जब इनका बच्चा हायर एजुकेशन के लिए तैयार है, तो क्या इन्हें SIP को रिडीम कर लेना चाहिए, अपने म्यूचुअल फंड्स को रिडीम करके जो भी है वो इस एजुकेशन में लगाना चाहिए, या क्योंकि वो उसी लक्ष्य के साथ इन्होंने ये तैयारी की थी, या
SIPs को स्टॉप करके और जो है वो लोन की तरफ जाना चाहिए? और दूसरा सवाल जो अपने रिटायरमेंट और बाकी चीजों के लिए उन्होंने पूछा है, बताएं क्या राय होगी? करेक्ट कलन जी, जो जैसे मैंने आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करा तो आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा मैनेज किया है और सिर्फ चार ही फंड रखे हैं, तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी जो आपका क्वेश्चन है, तो वो जैसे हम जो भी क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास, तो हम उनको सबसे पहले ही सलाह देते हैं कि आप कोई भी गोल एंड रिजल्ट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट्स करो। तो जो आपका गोल था उसके हिसाब से आपका टारगेट मीट हो रहा है, तो मेरे हिसाब से आपको जो गोल मीट हो गया तो उसको आपको डायरेक्टली रिडीम करके उसके पर्पस के लिए यूज करना चाहिए, जिसके आपके केस में चाइल्ड एजुकेशन। बिकॉज जो दूसरा ऑप्शन है उसमें आ जाता है लेवरेज की बात, जिसमें आप सोच रहे हो कि शायद मैं ये म्यूचुअल फंड को बैंक को दे के उसमें लोन लू, तो वो आइडिया मेरे हिसाब से मैं आपको नहीं सजेस्ट करूंगा कि आपको उसके लिए जाना चाहिए। बिकॉज लेवरेज जितना कम रख सकते हैं उतना बेटर है। एंड जो हमारा अगर गोल था वो आपने उसी गोल से आपने वो पैसे को निवेश किया था और अब उसको आपको यूटिलाइज करने का टाइम आया, तो आपको डेफिनेटली उसको यूटिलाइज करना चाहिए। और जो दूसरा आपका क्वेश्चन था कि अभी नेक्स्ट 6 साल में आपका कॉर्पस कितना हो सकता है, तो उसमें मैंने दोनों आपके कॉर्पसेस को शामिल किया है। जो आपकी SIPs है उसमें मैंने करीब 10% का स्टेप अप के हिसाब से कैलकुलेट किया है, और जो आपका एग्जिस्टिंग कॉर्पस है उसको भी हमने 12-12.5% के हिसाब से ग्रो करके देखा है। तो उस सिनारियो में आपका जो कॉर्पस, अगर आप 10% SIP कंटिन्यू कर रहे हो हर महीने, 10% स्टेप अप कर रहे हो SIP में, तो आपका जो कॉर्पस है वो 2-2.5 करोड़ के आसपास आ रहा है। और उसी जगह पे 10% की जगह पे अगर आप 20% की स्टेप अप कर रहे हो, तो वो फिगर ऑलमोस्ट 2.93 करोड़ जितना जा सकता है। तो ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर के अलावा और भी कुछ क्वेश्चन आपको पूछना तो आप मुझे पूछ सकते हो। कलोल जी, आप अपने जवाब से संतुष्ट हैं? आपको जो जो भी सवाल थे उसके जवाब मिल गए जी? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कलोल जी हमसे जुड़ने के लिए, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, इसी तरह निवेश की गाड़ी आगे बढ़ाते रहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अगले जो हमारे कॉलर हैं उनका नाम संदीप है, और संदीप भगेला चूरू राजस्थान से हैं और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, बताएं क्या सवाल है आपका? जी जी सर, आपको नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा ये सवाल है कि मेरी अभी 45,000 रुपये पर मंथ की सैलरी है और मेरे पास 5 स्कीमें, म्यूचुअल फंड की स्कीमें अभी मैंने SIP कर रखी है जी। पहली स्कीम है क्वांट ELSS टैक्स सेवर फंड, उसमें 4,000 रुपये की SIP है। दूसरी है मेरा ही एसेट लार्ज एंड मिड कैप डायरेक्ट, उसमें 3,500 रुपये की है। तीसरी है सर टाटा इंडिया टैक्स सेविंग फंड, उसमें 1,000 रुपये की। चौथी है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, उसमें 1,000 रुपये की। और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, उसमें 1,000 रुपये। ठीक है, तो सर मेरा सवाल है कि मेरे पास अभी टाइम है लगभग 20 साल बच्चों की शादी के लिए, उनकी हायर एजुकेशन के लिए और घर बनाने के लिए मेरे को लगभग 1 करोड़ कॉर्प्स की जरूरत पड़ेगी। और साथ में सर मेरे ऊपर 40,00,000 रुपए का मेरा होम लोन का और पारिवारिक फैमिली का कर्ज है, तो सर मैं कर्ज चुकाऊं या मेरे इसी इन्वेस्टमेंट को मैं लगातार चालू रखूं, या इन्वेस्टमेंट बंद करके मुझे कर्ज चुकाना चाहिए या ऐसे चालू रखनी चाहिए? चलिए चलिए, आपका सवाल आपने बहुत स्पष्ट तरीके से पूछा है। अभिजीत, ये सवाल आपके लिए ही है, बताएं क्या करना चाहिए? संदीप की तमाम डिटेल्स और उन्होंने सवाल भी जो पूछा उनका क्या समाधान है? करेक्ट संदीप जी, तो आपकी जो फंड सिलेक्शन है तो उसमें तो मैं कोई भी चेंजेस रेकमेंड नहीं करूंगा। हालांकि आपने काफी एक वेल बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाया हुआ है 5 फंड्स का। और जो आपका मेन सवाल है कि क्या पहले लोन से फ्री हो जाना चाहिए, तो ये भी काफी कॉमन सवाल है जो आते हैं। तो हमारे फाइनेंस में एक टर्म है कि आपका सबसे बड़ा एसेट जो है वो 0 डेट को मानते हैं। तो मैं वही सलाह दूंगा कि जितना हो सके उतना आप प्रायोरिटी लोन रीपेमेंट को दीजिए और धीरे धीरे करके उसको 0 कर दीजिए, ताकि आपका एक बैकअप द माइंड जो बर्डन रहता है वो आपका 0 हो जाए। और उसके बाद जो निवेश हम करते हैं वो डिस्पोजेबल इनकम को निवेश करने की सलाह मैं दूंगा। तो
तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कि मैक्सिमम आपका जो लोन है वो आप रीपेमेंट कर दो, और बाकी जो ओवर एंड अबव आप उसमें जो एडिशन कर पा रहे हो आपका डिस्पोजेबल इनकम का, उसको ही सिर्फ लॉन्ग टर्म के होराइजन के हिसाब से आप निवेश कीजिए गोइंग फॉरवर्ड. थैंक यू. तो ये है सलाह संदीप आपको मिलती हुई. बढ़ते हैं आगे, और हमारे अगले जो दर्शक हैं उनका नाम तेजस साडविलकर है. यूट्यूब पर उन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है. हेमंत जी, ये सवाल आपसे है. इनकी उम्र 37 साल है, 5 साल बाद ये रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, जिसके लिए 2 करोड़ की इन्हें राशि चाहिए. हर महीने 2 लाख की SIP का इन्होंने एक दायरा बनाया है. लक्ष्य के पहुंचने के लिए सही फंड्स क्या रखें और किस फंड में कितनी राशि निवेश करनी है ये भी बताइए. आज देखिए, इनका जो टाइमर है वो 5 साल है. ऑब्वियसली जब वो SIP से इन्वेस्ट करेंगे तो जो एवरेज होल्डिंग पीरियड है वो कहीं कम होगा. तो सबसे बड़ा क्रिटिकल इश्यू यहाँ पे है कि इनके पास बहुत लंबा समय नहीं है, बट जैसा इन्होंने कहा कि वो 2 लाख की SIP करना चाहते हैं, तो मेरा ये मानना है कि 2 लाख की SIP से अगर मैं बहुत एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाऊं और एक 12% का रिटर्न भी अगर मैं मानते चलूं, तभी 5 साल में इनका लक्ष्य पूरा नहीं होगा. मेरे हिसाब से इनको, इनके पास 2 ऑप्शन है, या तो 40-50 हज़ार से अपनी SIP का अमाउंट बढ़ाएं, या दूसरा ऑप्शन है कि अगर वो 1 साल और कंटिन्यू कर सकें इसको, 5 की जगह अगर 6 साल करें, तो फिर उम्मीद कर सकते हैं कि अपने 2 करोड़ का जो लक्ष्य है वहां तक पहुंच पाएंगे. तो पहली बात तो ये कि किस तरीके से अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे. दूसरा, क्योंकि समय बहुत लंबा नहीं है और जाहिर सी बात है बड़ा कॉर्पोरेट है बनाना है, तो थोड़ा सा एग्रेसिव पोर्टफोलियो भी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं बना सकते हैं हम इसको. तो एक, मुझे लगता है एक मिक्स होना चाहिए इस पोर्टफोलियो में. उसमें वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स हो और उसमें कुछ हाइब्रिड फंड्स हो जिनमें यू नो इक्विटी और डेट का मिक्स मिले इनको. तो मुझे लगता है कि 5 फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं 40-40 हज़ार रुपए. तो 2 जो एक जो हाइब्रिड फंड्स हैं उसमें ICICI प्रूफ इक्विटी एंड डेट, जो एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है उसमें वो ले सकते हैं. HDFC का बैलेंस एडवांटेज, जो बाकी बैलेंस एडवांटेज से थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पे थोड़ा सा एग्रेशन ज्यादा है, तो मुझे लगता है उनके प्रोफाइल के हिसाब से वो सूटेबल भी है. तो ये 2 फंड हो गए. और इक्विटी में जैसा मैंने कहा कि वेल डाइवर्सिफाइड फंड होने चाहिए और तीनों सेगमेंट में एक्सपोजर चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं चाहिए. तो एक मल्टी कैप फंड जैसे कोटक मल्टी कैप देख सकते हैं, एक फ्लेक्सी कैप फंड देख सकते हैं जो HSBC फ्लेक्सी कैप, और एक जो है लार्ज एंड मिड कैप में मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप. इस फंड में मिनिमम 35% एलोकेशन दोनों सेगमेंट में रहेगा, लार्ज और मिड में, और बाकी जो 35% है 30% है वो फंड मैनेजर की डिस्क्रिप्शन है. तो इस तरीके से ये 5 फंड में जो मिक्स है इक्विटी और हाइब्रिड का वो बनाए. और जैसा मैंने कहा, अगर ये अपना टाइम होराइज़न 1 साल बढ़ा सके तो मेरे हिसाब से वो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे. ये है राय अब तेजस आपको, और यहाँ पर तमाम बातें जो हैं थोड़ी, चूँकि आपका जो दायरा है वो थोड़ा सा छोटा है, इसको जैसा सर ने बताया कि इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, थोड़ा ये दायरा बढ़ाकर देखिए आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं. चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी आपके सवालों को शामिल करेंगे, बने रहिए हमारे साथ. In association with New Seltos with Kia Connect, tech is now badass. In association with SBI, Solid Bank is solid backing. Gold पर golden words और silver की बताएंगे silver lining. कंज्यूमर सेंसिंग इकोनॉमी क्या दिक्कत हो रही थी. बेस मेटल्स के लिए बनेंगे मेटल डिटेक्टर और कच्चे तेल का बताएंगे पूरा खेल. स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुल दामिया. देखिए एग्री मार्केट की हर बात मेरे यानी विश्व मोहन के साथ ईटी नाउ स्वदेश पर. कीजिए आपके नए घर का शुभारंभ LIC हाउसिंग फाइनेंस की तरफ से. जय भवानी, जय शिवाजी. शिवबाही यहाँ के रगों में बहे. Maharashtra Tourism.
मजा आ गया, यही गाड़ी लेनी है। और इंश्योरेंस कहाँ से लेना? What a question. शोरूम से। और कोई ऑप्शन ही नहीं है सर। कोई जबरदस्ती है क्या? कोई जबरदस्ती नहीं है, डायरेक्ट एको से लो और 36,000 तक बचाओ। No bug bug, non-stop dhag dhag, non-stop music on Sunrise Hits, रोज सुबह 8 से 10, सिर्फ Zoom पर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और हमारे साथ हमारे अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं, मलय नाम है इनका। मलय, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं आसनसोल से बात कर रहा हूँ। जी बताइए कि किस तरह का सवाल है आपका, क्या आपकी शंका है? मेरा तो सवाल दिया हुआ है सर जी, तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये मेरा पोर्टफोलियो सही है? ठीक है ना, मुझे और कुछ इसमें रेक्टिफाई करना चाहिए? और अभी तो बहुत मार्केट डाउन हुआ है, मेरे पास अभी 40-50 हजार रुपए पड़े हैं, मुझे पोस्ट ऑफिस से मिले हैं, तो इसे मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ? मौजूदा पोर्टफोलियो में ही इन्वेस्ट करूँ कि कोई और अगर सुझाव दे तो बेहतर होगा मेरे लिए? हाँ ठीक है, आप कितना 40-50 हजार बता रहे हैं ना? जी मेरे पास था 1.5 लाख, मैंने 1 लाख अभी एनएससी किया हूँ। अच्छा 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 ठीक है, और 50 हजार मेरे पास है, तो मैं चाहता हूँ कि ठीक है जरा अगर आप मुझे ICICI प्रूडेंशियल का जो वैल्यू डिस्कवरी फंड है अगर उनके बारे में भी बताएं तो। ठीक ठीक है, थैंक यू। हेमंत सर मैं आपके पास आना चाहूंगा, मलय का बाकी तो सवाल आपके पास है, लेकिन शायद एक एडिशन जो इन्होंने किया है वो ये कि जो इनके पास 50,000 हैं इस गिरते बाजार में कहाँ लगा देना चाहिए, ये पूछ रहे हैं। और इसीलिए मैंने शुरुआत में चर्चा की कि ये मन में सवाल रहता ही है करेक्शन वाले बाजार में लोगों के मन में, तो बताएं क्या इनको आप गाइड करेंगे? जी आई थिंक प्रशांत यहाँ पे देखिए दो तीन चीजें हैं, एक इनकी जो इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें तो 8,000 रुपए की SIP कर रहे हैं ये, और PPF में इन्वेस्ट कर रहे हैं 4,000, और आई थिंक पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट में 3,500 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो इनकी डिटेल है मेरे पास। तो पहली बात तो वाले से मैं जानना चाहूंगा कि इनका टाइम होराइजन कितना है, क्योंकि जब आप एक लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बना रहे हो तो वहां पे पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट का मुझे लगता नहीं कोई बहुत ज्यादा रोल है वहां पे। अगर उनका समय के उनके पास 3 या 5 साल भी है तो भी मुझे लगता है म्यूचुअल फंड में इनको बेटर ऑप्शन मिल सकती है। जैसे हम कहते हैं कि वो बैलेंस एडवांटेज फंड जो रहते हैं जहां पे इक्विटी और डेट का एक्सपोजर जो है वो ऐसा होता है कि वो मार्केट लेवल के हिसाब से बदलता रहता है, और इक्विटी का एक्सपोजर यूज अमूमन जो है वो 40% के करीब रहता है, तो एक मुझे लगता है वो एक ऑप्शन है इनकी एग्जिस्टिंग जो पोर्टफोलियो है उसको चेंज करने के लिए। उसका कंडीशन ये है कि कम से कम उनके पास 3-5 साल का समय है, और अगर लंबा समय हो तो जैसे ये देख रहे हैं कि 50,000 कहाँ पे इन्वेस्ट करें लमसम, तो ये पैसा भी जो SIP इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके थ्रू अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जहां तक इनके पोर्टफोलियो का सवाल है, पहले मैं पोर्टफोलियो पे आता हूं। आई थिंक इनके जो फंड सिलेक्शन है वो काफी अच्छी है, सही कैटेगरी है इनके पास, एक फ्लेक्सी कैप फंड है, एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है, और साथ में एक यू नो स्मॉल कैप फंड है इनके पास, तो आई थिंक ओवरऑल जो उन्होंने पोर्टफोलियो एक लार्ज कैप फंड भी है इनके पास, तो ये जो और फंड सिलेक्शन भी अच्छी, कैटेगरी भी सही है और सिलेक्शन भी अच्छी है, तो मुझे लगता नहीं कि पोर्टफोलियो में कोई बदलाव करने की जरूरत है। अब सवाल ये उठता है कि 50,000 जो लमसम वो कहाँ इन्वेस्ट करना है? देखिए मार्केट में ऑब्वियसली गिरावट है, लेवल्स पहले से बेटर है, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि ये मार्केट अभी और गिरेगा कि नहीं। कुछ जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं, और जो इशू हम देख रहे हैं कि जिस तरह से पैसा जो है चाइनीज मार्केट में जा रहा है, अगर वो कुछ समय तक कंटिन्यू किया तो मार्केट में वॉलेटिलिटी रह सकती है, तो इसको कभी टाइम करने की कोशिश मत कीजिए। मेरे हिसाब से पहला आपको सवाल ये देखना है कि आपको ये पैसा कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना। मान लीजिए आपका जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है वो 10-15 साल का है, और ये 50,000 भी आप 10-15 साल के लिए रख सकते हैं, तो बिल्कुल आप कंसीडर कीजिए कि इसको आप इक्विटी में इन्वेस्ट करें। दूसरी बात, मेरा ये मानना है कि सारा पैसा एक साथ मत लगाइए, क्योंकि आपको ये इन्वेस्टमेंट आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का कितना प्रपोर्शन है वो भी एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। तो मौका सही हो सकता है, बट जैसा मैंने कहा पता नहीं और भी बाजार गिर सकता है, या कुछ समय गिरे भी नहीं तो वॉलेटिलिटी रह सकती है। तो आप एक काम कीजिएगा, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान जिसको हम बोलते हैं
उसके थ्रू अगले 3 या 6 महीने का आप इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कीजिए हर महीने, ताकि आप इस वॉलेटिलिटी का सही मायने में फायदा उठा सके और एक पर्टिकुलर लेवल पे अपना पैसा आप कमिट नहीं करेंगे। डिस्कवरी की जहां तक सवाल है, एक अच्छा फंड है, बहुत ही लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड है उसका और एक वैल्यू फंड है, बट मुझे लगता है आपके पास जो पोर्टफोलियो है उसमें काफी अच्छे फंड्स हैं आपके पास, जैसे ICICI लार्ज एंड मिड कैप, मुझे लगता है उसी में अगर आप चाहें, अगर एक फंड में आपको इन्वेस्ट करना है तो उसमें कर सकते हैं, तो उसके अलावा HDFC फ्लेक्सी कैप भी ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो दोनों में पैसा बांट सकते हैं। बट इन्वेस्ट कीजिए लंबे समय के लिए और सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कीजिए, ताकि ये जो वॉलेटिलिटी है उसमें एक लेवल पे आप अपना पैसा कमिट ना करें। ठीक है मलय, तो आपको बेहतर तरीके से गाइडेंस मिल गई है। कुछ आगे भी अगर आपके मन में कोई सवाल होगा तो ज़रूर हम तक पहुंचाइए, हम आपके सवाल का जवाब देंगे। बढ़ते हैं आगे और YouTube से भी कुछ सवाल आए हैं हमारे पास। हरीश कोहली हैं जलंधर से और इन्होंने सवाल जो अपना भेजा है उसमें बताया है उन्होंने कि पिछले 3 साल से म्यूचुअल फंड में ये लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसी साल से उन्होंने SIP में इंक्रीमेंट किया है, उन्होंने SIP इंक्रीज़ की है। बाकी डिटेल्स अभिजीत आपके पास हैं, सवाल भी इनका है, बताइए क्या राय होगी इनके सवाल पे, हरीश जी को क्या गाइडेंस देंगे आप? हाँ करेक्ट, तो जैसे हरीश जी का एक मेन सवाल था कि उनका जो नई उनको SIP जो शुरू करनी है 2000 पर मंथ की, तो वो किसमें कर सकते हैं, तो उनका फंड एलोकेशन और ओवरऑल पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर देखने के बाद मैं उनको सजेस्ट 2 चीज करूंगा। एक तो है कि वो एक थोड़ा लार्ज कैप की तरफ रुझान बढ़ा सकते हैं, तो एक SBI लार्ज कैप में वो जो उनकी नई SIP है वो डाल सकते हैं। और दूसरा एक मैं पॉइंट आउट करना ये चाहूंगा कि उन्होंने एक लमसम अमाउंट सेक्टर फोकस्ड फंड में डाला है विच इज मोतीलाल डिफेंस फंड। जनरली हम क्लाइंट्स को ये सजेस्ट करते हैं कि कोई भी एक थीमेटिक या सेक्टर फंड में आप अपने एसेट्स का एक लिमिटेड परसेंट ही इन्वेस्ट करो, ताकि वो थोड़ा हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाता है, इन केस अगर वो सेक्टर नहीं चला या कुछ हेडविंड्स आ गए उस सेक्टर में तो वो पूरा जो हमारा निवेश है वो उसमें लॉस जा सकता है, तो इसके लिए उसको मैं उनको रिकंसिडर करने को कहूंगा। बाकी ओवरऑल उनकी जो फंड सिलेक्शन है वो ठीक है, उसमें कोई चेंजेस मैं नहीं उनको सजेस्ट करूंगा। तो ये है हरीश जी आपको राय। हेमंत सर मैं आपके पास आना चाहूँगा। कई बार जैसे आज कुछ कॉलर्स को हमने देखा कि लेट जो है वो इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, खैर उसमें कोई गलती नहीं होती है, हर व्यक्ति का अपना एक तौर तरीका होता है, फिर भी आज के दौर में अगर हम निवेश की प्लानिंग की बात करें तो क्या वो गोल्डन रूल्स हैं कि खास तौर पे जाहिर सी बात है कि आदमी बहुत यंग होता है तो सोचता है कि चलो अपनी लग्जरी पे खर्चा कर लिया जाए, अपने ट्रेवल पे खर्चा कर लिया जाए, बाकी चीज़ों पे खर्चा कर लिया जाए, लेकिन दुनिया जिस तरीके से बदल रही है, जिस तरह से इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रहा है, जिस तरह से हमारी अब ज़रूरतें भी उसका दायरा भी बढ़ रहा है, इन सब को देखते हुए गोल्डन रूल्स क्या है इन्वेस्टमेंट के? देखिए मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट रूल है अपने इन्वेस्टमेंट की आप प्लानिंग कीजिए, आप अपनी बजटिंग कीजिए। देखिए क्या होता है, आपने बिल्कुल सही कहा, जब हम यंग होते हैं तो हमारा हमें लगता है कि यार अभी कमाना शुरू किया, बहुत लंबा समय है, रिटायरमेंट का क्या सोचना, बच्चों की एजुकेशन का क्या सोचना, घर का क्या सोचना, पहले थोड़ा पैसा इंजॉय करते हैं, जो मैं समझ सकता हूँ, मतलब आपको एक तरीके की फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है, लेकिन यू नो इम्पोर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे कि अगर आप थोड़ा सा प्लानिंग कर लें, अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें और जितना जल्दी शुरू कर दें तो आप दोनों चीज कर सकते हैं, आप पैसे को जो आप आज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं और कुछ पैसा आप अपने फ्यूचर के लिए भी बचा रहे हैं, क्योंकि ये मत भूलिएगा कि जो भी पैसा आप आज खर्चा कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर के साथ उसको थोड़ा कंप्रोमाइज कर रहे हैं, तो दोनों में बैलेंस करना जरूरी है। तो मुझे लगता है गोल्डन रूल ये है कि आप खर्चा कीजिए बिल्कुल, लेकिन साथ में भविष्य के बारे में भी सोचिए और हमेशा जब भी इन्वेस्ट करना शुरू करें एक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू कीजिए। कभी कभी हो सकता है आप इतने यंग हो कि आपके पास गोल डिफाइन करने को भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो आप वेल्थ क्रिएशन ही गोल बना लीजिए, लेकिन समय रखिए कि 15 साल 20 साल, तो क्या होगा वो आपको पैसे को डायरेक्शन देगा, आप सही तरीके से एसेट एलोकेशन कर पाओगे। आप मान लीजिए इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो, थोड़े थोड़े पैसे से इन्वेस्ट करते हो, कुछ जो गलतियां आप एज एन इन्वेस्टर करते हैं अगर आप उस समय गलती करो जब आपके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं हो तो वो बहुत महंगी नहीं पड़ती। जब आप इस स्टेज पे पहुंचे थोड़े समय के बाद कि आपके पास सीरियस पैसा, बड़ा पैसा है इन्वेस्ट करने को, क्योंकि आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपने ये सीख लिया कि इक्विटी में क्या सही है क्या गलत है, क्या डिसिप्लिन किस तरीके से मैं डिफाइन करूं,
तो उस समय पे आप वो गलतियां नहीं दोहराएंगे। और जो अमूमन जो डर रहता है निवेशक के मन में वो आपके मन में नहीं रहेगा। तो मुझे लगता है जल्दी शुरुआत करने से पावर कंपाउंडिंग का फायदा तो है ही, साथ में आप एक बेहतर इन्वेस्टर बनते हैं। लेकिन साथ में ये भी कहना चाहूंगा, जिन निवेशकों ने जल्दी शुरू नहीं किया तो बोलते ना इट्स नेवर टू लेट, आप शुरुआत कीजिए जब भी आपको समझ में आए शुरुआत कीजिए, जितना भी समय आपको बचा अपने गोल के लिए उसके हिसाब से आप प्लान कीजिए। वहां पे ये गलती मत कीजिए कि हमने 10 साल पहले इन्वेस्ट नहीं किया तो अगले 10 साल में हम इतना एग्रेसिव इन्वेस्ट करें कि सारी कमी पूरी कर लें, ऐसा इन्वेस्टमेंट में नहीं चलता है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से समय के हिसाब से जब भी आपको लगे, लेकिन हाँ याद रखिए जितना जल्दी शुरू करेंगे, जैसे आपने इन्फ्लेशन की बात की, आप इक्विटी जैसी एसेट क्लास में सही मायने में इन्वेस्ट करेंगे तो आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। तो ये मुझे लगता है कुछ बहुत ही सिंपल रूल्स है। इन्वेस्टिंग प्रोसेस जो है ना है बहुत सिंपल, लेकिन उसमें डिसिप्लिन चाहिए। कभी कभी हम उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट बनाते हैं, तो उसको कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना है आपको, सिंपल रखिए, क्लैरिटी रखिए, अपने गोल पे फोकस कीजिए, आई थिंक आप बड़े से बड़े लक्ष्य भी पूरा कर सकते हैं। और आज का ये पूरा शो जो है इसमें इन बातों का बहुत महत्व है, और इसी वजह से हम बीच बीच में इस तरह की चर्चाएं भी करते हैं। हेमंत सर, मेरे पास महज 2.5-3 मिनट हैं, तो फटाफट से एक और दर्शक का सवाल लेते हैं, यूट्यूब का ही है, एसके यादव सर साहब का। मेरे ख्याल से उनका उनकी पूरी जानकारी आपके पास है, तो ज़रा 2.5-3 मिनट में बताइए कि इनको क्या राय होगी। हाँ जी बिल्कुल, उनकी जो करंट SIP है वो 60,000 रुपये की है, इनका टारगेट जो है वो 10 करोड़ का है। मेरे हिसाब से जो इनका समय है 10 साल का, अगर ये कंटिन्यू करते हैं तो करीब 4.5 करोड़ का कॉर्पस बना पाएंगे, तो कहीं बहुत बड़ा गैप रहेगा। जितना वो करना चाहते हैं जितना वो कर पाएंगे, तो जाहिर सी बात है उनको SIP बढ़ानी होगी। कुछ पोर्टफोलियो में बदलाव करने की जरूरत है। इनके पास दो फंड्स हैं, ICICI ब्लू चिप जहाँ पे 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंटिन्यू करें, पराग पर एक फ्लेक्सी कैप जहाँ पे वो 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं, और कुछ एक पोर्टफोलियो में थोड़े फंड्स हैं उन्हें बदलाव की जरूरत है। जैसे SBI फोकस फंड है, उसके सामने मुझे लगता है उसी कैटेगरी में इन्वेस्को फोकस एक ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकती है, तो उसको वो कंसीडर कर सकते हैं। उसके अलावा निपॉन में दो फंड है के पास, स्मॉल कैप और मल्टी कैप, तो वहां पे अगर ये चाहें तो एक स्मॉल कैप फंड रख सकते हैं, क्योंकि लंबा समय है इनके पास, तो पूरा पैसा एक ही फंड में लगाइए। और एक जो इनके पास पैसा फंड है मेरा ही एसेट लार्ज एंड मिड, क्योंकि हमने इन दोनों सेक्टर्स में इन दोनों सेगमेंट्स में एक एलोकेशन कर दिया है प्रॉपरली, तो वहां पे एक मल्टी कैप फंड देख सकते हैं उसकी जगह में, जो कोटक मल्टी कैप। तो कुछ बदलाव करने की जरूरत है, आई थिंक वो करें, और जैसा मैंने कहा गैप है वहां पे, इनको अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। तो SK यादव साहब, उम्मीद करते हैं कि आपके तमाम सवालों का आपको जवाब मिला हो, और हम अपने तमाम दर्शकों से गुजारिश करते हैं कि जिस तरह से सवाल हमारे कई सारे निवेशक भेजते हैं बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, कई सवाल हम इसलिए नहीं ले पाते हैं क्योंकि जानकारी आधी अधूरी होती है। तो इसलिए सवाल बहुत स्पष्ट लिखें, अपना पोर्टफोलियो का जो डेटा है वो बेहतर तरीके से बताएं, आपके मन में किसी और तरह का भी सवाल है तो वो भी, मतलब आपको इन्वेस्टमेंट और बचत को लेके जो भी मन में आपकी शंकाएं हैं उन सबका समाधान मिलेगा, बशर्ते सवाल स्पष्ट तरीके से आप हमें पूछें। तो हमारी कोशिश यही है बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में, कि किसी तरह से आपको निवेश के मोर्चे पर जागरूक करें। फिलहाल अपने दोनों एक्सपर्ट हेमंत रुस्तगी और अभिजीत, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और मुझे पक्का यकीन है कि जो चर्चाएँ आज हमने की हैं वो आम इन्वेस्टर के काम आएंगी और उन्हें और ज़्यादा मजबूत बनाएंगी और ज़्यादा जागरूक बनाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का एक बार फिर से इस चर्चा में जुड़ने के लिए, आगे भी इस तरह की चर्चाओं में हम आपको आमंत्रित करते रहेंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार एक खास सेगमेंट आपके लिए लेकर आएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।